दोस्तों नमस्कार, स्टेट जॉब लाइन में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ा ऑफिशियल नोटिस एसएससी के द्वारा थोड़ी देर पहले ही जारी किया गया है, तो चलिए फटाफट से पूरी जानकारी देख लेते हैं। ये देखिए 3 फरवरी 2022 इंपोर्टेंट नोटिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। तो यहाँ पे नोटिस के अंदर क्या जानकारी दी गई है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है इंपोर्टेंट नोटिस, पहला पैराग्राफ यहाँ पे देखिए, इसके अंदर बताया गया है कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 का जो रिजल्ट है वो 15 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। फिर पैराग्राफ नंबर 2 में देखिए, यहाँ बताया गया कि 15 दिसंबर जो को जो आपका रिजल्ट आया था इसके अंदर 625 कैंडिडेट्स को सस्पेक्टेड मानते हुए उनका जो रिजल्ट है वो रोक लिया गया था और अब उनके रिजल्ट की स्क्रूटनी की जा रही है। तो दोस्तों जैसे ही आपका काम कंप्लीट होता है उसके बाद में आपका रिजल्ट वो जारी किया जाएगा, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे एसएससी की तरफ से दिया गया है। अभी आपके दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट की स्क्रूटनी की जा रही है, यानी आपकी जांच यहाँ पे की जा रही है। और दोस्तों जैसे ही काम कंप्लीट होता है तुरंत यहाँ पे एसएससी के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए। तो दोस्तों इससे जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिस जारी होगा, तो यहाँ पे आपको इससे आगे जो भी अपडेट होगा वो मिलता रहेगा। काफी सारे कैंडिडेट्स बोल भी रहे थे कई दिनों से कि इसका क्या हुआ, एसएससी ने अभी कोई अपडेट नहीं दिया है। तो दोस्तों देख लीजिए, आज एसएससी ने खुद ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, इससे जुड़ा आगे भी जो भी अपडेट होगा तो दोस्तों आपके लिए वीडियो आ जाएगा। आप सभी के लिए खास इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, अनअकैडमी के ऊपर आपका स्पेशल ऑफर चल रहा है फरवरी का। इसमें दोस्तों आप 3 फरवरी तक यहाँ पे देखिए, अगर आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं एसएससी एग्जाम में, ठीक है, तो इसमें आपको 1 साल के प्लस सब्सक्रिप्शन पे 3 महीने के एडिशनल मिल रहे हैं, साथ ही आपको 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने एडिशनल मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और एसजेएल 2021 कोड जरूर से लगा देना। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।